हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये कोड बता देता आज तो मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये उड़ जाते। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही एक फ्रॉड कॉल आया जो कि मैं आपको पूरा कॉल सुनाऊंगा। पूरे 8-9 मिनट का कॉल है, पूरा कॉल सुनिएगा, आपको पता चलेगा किस तरह से ये लोग जो है आजकल काफ़ी फ्रॉड कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी इनके जैसे में आ सकता है, चाहे अपने आप को आप कितना इंटेलिजेंट समझ लीजिए, क्योंकि इनका जो कॉल करने का तरीका है ना, वो इतना निराला है, इतना निराला है कि आप उनके जैसे में फंसते ही जाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इस तरह से डिटेल्स लेते हैं आपकी, मैं बताऊंगा आपको ये डिटेल्स कहाँ से लेते हैं और कैसे ये कॉल करते हैं आपको, और किस तरह से ये जो है बातों में फंसा करके आपको एक अच्छा मीठा सा झांसा देंगे। जी हां फ्रेंड्स, जिसकी आपको जरूरत है लाइफ में, उसी चीज के लिए बोला जाता है इनका। एक बार आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, देखिए। अगर मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लास्ट में एक बात बोली है, वो बात भी आपको मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल थोड़ी सी गंदी है, लेकिन आप सुनना जरूर, ठीक है? तो आप पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिए, कैसे किस तरह से कॉल किया जाता है मेरे पास में, देखिए एक बार आप। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। ब्रिजेश कुमार जी से बात हो रही है सर? जी बिल्कुल। सर है ना सर, फैशन बिग बाजार का वीजा कार्ड? क्या बोल रहे हो? फैशन बिग बाजार का कार्ड है ना सर, वीजा कार्ड? नहीं, कार्ड इसको सर यहाँ पे शो हो रहा है। कार्ड के लिए अप्लाई तो किया है ना आपने? नहीं किया। नहीं किया सर? किसका, SBI का क्या? हाँ सर, SBI का फैशन बिग बाजार का कार्ड। नहीं, मेरे को अलॉटमेंट नहीं हुआ। नहीं मिला ना सर? नहीं। ओके सर, यहाँ पे ना आपका रेफरेंस अपडेट नहीं है, इसलिए कार्ड आपका डिस्पैच नहीं हो रहा है सर। आपने जब कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था या सैलरी बेस पे अप्लाई किया था सर? कार्ड टू कार्ड। कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था, बट यहाँ पे सर कोई रेफरेंस आपका शो नहीं हो रहा है, इसलिए कार्ड आपका डिस्पैच नहीं हुआ है सर। ओके, रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस मतलब यही होता है सर, आपने जो सैलरी के बेस पे किया हो या कार्ड टू कार्ड किया हो सर, वो आपका अटैच नहीं हुआ है सर। आप जब कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था, तो जब एग्जीक्यूटिव आया था डॉक्यूमेंट के लिए, तो कार्ड के फ्रंट साइड का कॉपी दिया था सर डॉक्यूमेंट में? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ना सर शो नहीं हो रहा है, कौन से कार्ड के थ्रू आपने अप्लाई किया था सर? पता नहीं। सॉरी, पता नहीं है। तो अभी आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर? रेफरेंस अपडेट करा दीजिए सर, कार्ड आपके 5-7 डेज में आपको रिसीव हो जाएगा। बस और बाकी प्रोसेस सर? बाकी तो सारा आपका कंप्लीट है ना सर, KYC आपकी सारी कंप्लीट है सर। मैं कंफर्म करा देती हूँ, पूरा नाम है आपका सर ब्रिजेश। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है अभी तक जेन्युइन बातें चल रही है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा बिल्कुल कि ये बैंक से है कि कोई फ्रॉड है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है आपको कि बैंक का कोई अच्छा सा वेल एजुकेटेड एक एम्प्लॉई है जो कि आपको कॉल कर रहा है। देखिए आगे और रिकॉर्डिंग है, आप पूरी सुनिए एक बार। राइट जी बिल्कुल। और आप सर अकाउंट एसोसिएट है सर, आपका ये है बोसक लिमिटेड कंपनी में सर। ओके, यहाँ पे सर सारा KYC आपका कंप्लीट है, ओनली आपका रेफरेंस अपडेट नहीं हुआ है सर। ओके, बस रेफरेंस अपडेट करा दीजिए सर। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपसे सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें पूछी जा रही है, आपकी सारी डिटेल आपको बताई जा रही है। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आपके ही बैंक का कोई आदमी है जो आपकी पूरी डिटेल जानता है, और आपका जो है काम अधूरा रह गया है, क्योंकि ये लोग जो है पहले बैंक का करते थे जिसमें अपनी सेविंग होती थी। अब सेविंग तो क्या है, ये जिसको कॉल कर रहे हैं उनका, इनको आइडिया नहीं होता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं कि नहीं है। हो सकता है ये 30 की शॉपिंग कर ले, उनके अकाउंट में 20 हो, तो उनका जो फ्रॉड का है ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुल ना हो। तो इन्होंने, इन लोगों ने क्या करा, क्रेडिट कार्ड को अपनाया। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूछते हैं ये, देखिए मेरे से भी पूछी गई है, वो आगे सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। देखिए क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि अपनी लिमिट जो है रहती है किसी की, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 इस तरह से लिमिट होती है, तो ये कितनी की भी शॉपिंग का ट्रांजेक्शन मार सकते हैं। आपसे लास्ट की ये OTP पूछते हैं, ये OTP अगर आपने बता दिया तो बिल्कुल खेल खत्म है, क्योंकि कार्ड नंबर इनके पास हो सकते हैं, कार्ड की फ्रंट कॉपी इनके पास हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका फुल नेम हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जनरली हम इंडिया में कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो ईजिली प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन एक OTP और आपके जो कार्ड होता है इसके पीछे का नंबर मैं आपको बताता हूँ एक बार। कार्ड के पीछे जो है ये CVV नंबर होता है, ये नंबर आपको कभी नहीं बताना है, चाहे दोस्त हो चाहे फैमिली मेंबर हो कोई भी हो, ये नंबर नहीं बताना है। इसके बाद में OTP आता है, तो ये OTP भी कभी भी किसी को नहीं बताना होता है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, आगे देखिए मेरे से किस तरह से पूछा गया है। देखिए कार्ड में क्या लिमिट आपको रिसीव होगा, कितना आपका कैश लिमिट होगा सर, वो मैं आपको ऑन कॉल कंफर्म कर दूंगी। तो 1 सेकेंड आप लाइन पे रहिएगा सर। ओके, एक मिनट होल्ड करिए सर। आप बॉस लिमिटेड में एज ए अकाउंट
रिसीवेबल एसोसिएट वर्किंग है सर। आप बॉस कंपनी में, बॉस लिमिटेड में अकाउंट रिसीवेबल एसोसिएट वर्किंग है ना? ठीक, तो आपको लिमिट कितने तक की चाहिए सर? रिक्वायरमेंट क्या है लिमिट की? जो है दे दो आप तो, जितनी मिल रही है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको, तो आप लाइन पे बने रहिए सर, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ब्रजेश जी, जो आपको यहाँ से लिमिट दी जा रही है टोटल, ओवरऑल लिमिट होगी आपकी 1,30,000। ओके ओके, इसमें आपका 30,000 होगा कैश लिमिट, जिसके लिए आप, आपको चिट्ठी में मैसेज मिला होगा। मैसेज में आपके सिक्स नंबर के परमिशन होंगे 8410 पर चेक कीजिए। मिला मिला मैसेज? मैसेज मिला सर आपको? जी बिल्कुल। क्या सर? हेलो, मैसेज मिला सर? हाँ मिला ना। हाँ, उसमें सिक्स नंबर का परमिशन आईडी होगा, ओटीपी नंबर 8410 राइट? हाँ हाँ, एक बार अपनी वॉइस में रिपीट करेंगे। क्यों सर? ये परमिशन होता है, प्रोटोकॉल नहीं होती है ये। नहीं, मैंने तो क्रेडिट कार्ड बनवाए नहीं आज तक है ना। चल ब्रेक टू किए साले, तो क्यों इतना देर से मरा रहे हो मेरे साथ? चल ब्रेक टू किए साले, तो क्यों इतना देर से मरा रहे हो मेरे साथ? बस, अब आपने देखा लास्ट में इस बंदे ने क्या बोला है। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन लोगों को पता होता है कि सामने वाला बेवकूफ बन रहा है या बन सकता है या फिर वो बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहा है। लास्ट में इनको पता चलता है तो इनको जो है बहुत गुस्सा आता है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। यही चीज मैंने इसके साथ करी है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन शुरू के 2-3 मिनट मुझे भी पता नहीं चला था कि क्या चल रहा है ये, क्योंकि मैंने जो अप्लाई किया था वो काफी टाइम पहले बिग बाजार में गया था, वहां पर एक एम्प्लॉय मिल गया था, उसके थ्रू उसने मेरी डिटेल्स ले ली थी। और ये जो पैन कार्ड नंबर है वो अगर आप डालते हो गवर्नमेंट साइट तो वहां पर जो है पूरी डिटेल आपकी निकल जाती है, क्योंकि पैन कार्ड नंबर है, इसको सार्वजनिक कर रखा है। एक तरह से बेनिफिट भी है, एक तरह से लॉस भी है अपन को, क्योंकि अपनी सारी डिटेल जो है किसी को भी मिल जाती है, लेकिन कर क्या सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब अपने पास में जो है एक हथियार तो है कि अपन को कभी भी ओटीपी नंबर किसी को नहीं बताना, और अपना जो एटीएम कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, बिल्कुल आपको जो है पीछे के 3 नंबर होते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर होते हैं, ये कभी भी नहीं बताना, क्योंकि ये डालने के बाद में ही ओटीपी आता है, या फिर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है तब भी ओटीपी आ जाता है। इन लोगों के पास में जो है पता नहीं कहां से लीक हो जाता है डाटा। अब जो मॉल्स के अंदर आपसे कोई क्रेडिट कार्ड बनवाए, खाता खुलवाए, कभी नहीं करना है। मैंने गलती कर दी, उसकी सजा मुझे आज मिल सकती थी, लेकिन मैं बच गया हूं बाल बाल, ठीक है, क्योंकि सीधे क्रेडिट कार्ड से 30 का लॉस हो जाता, मैं चुकाता रहता बाद में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं, कभी भी मॉल में हमेशा अकाउंट खुलवाना हो, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, या फिर कोई भी ऐसा पैसों से लेन देन वाला काम हो, तो जेन्युइन जगह पे ही जाके करें। पोस्ट ऑफिस का काम है तो ओनली पोस्ट ऑफिस के अंदर खड़े होके करें, बैंक का काम है तो बैंक के अंदर खड़े होके करें। कभी भी बैंक के एकदम बाहर भी कभी भी ऐसा नहीं करें कि मैं आपका पैसा निकाल दूं, आपके पैसे मैं गिन देता हूं, या फिर आपका एटीएम मुझे दे दो, मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा है, एक बार आपका चेक करके दिखाओ मेरे को। आप क्या करते हो, चेक करके निकाल के आ जाते हो, पीछे से वो पिन कोड नंबर देख लेता है, आपके पीछे से डाल सकता है, आपको कैसे भी लूटा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सार्वजनिक नहीं करनी है कभी भी, और अपनी सेफ्टी सिर्फ अपने हाथों में है, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखिएगा। बैंक में भी कई लोग होते हैं फ्रॉड आ जाते हैं, जैसे कहीं पीछे खड़ा है, आपके बगल में खड़ा है, आपके एटीएम के पीछे खड़ा वाला लोग है, वो भी आपका जो है एटीएम नंबर देख सकता है, जी अपना पिन देख सकता है। इसलिए आप सिक्योरिटी के साथ में बिल्कुल हाथ रख के, अगर पीछे कोई लोग चुपके से हाथ रख के पिन नंबर डालिए हमेशा, और हमेशा कोशिश करिए कि एटीएम के अंदर कोई मौजूद ना हो, हमेशा कोशिश करिए कि सबको बाहर भेजे, उसके बाद में ही आपको एटीएम पिन डालना है। क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें हैं ये कभी भी आपको जो है ध्यान रखना है, हमेशा इसका ओटीपी आता है, वो ओटीपी किसी भी रूप में आपसे पूछे, कुछ भी लालच दे, कभी नहीं बताना जिंदगी में। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आता है, ये सिर्फ 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकता है, बस उस टाइम पे कभी नहीं बताना है आपको, और फिर बाद में मैसेज को डिलीट कर देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी नहीं बताना, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ। तो हमेशा दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं पर भी पैसों का लेन देन करना हो तो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने घर में करेंगे। कहीं पर भी पब्लिक में कोई भी आपका कार्ड बनाए, कुछ भी पैसों का लेन देन करने की कोशिश करें, कभी नहीं करवाना, दूर रहना है। तीसरी चीज, हमेशा ओटीपी या पिन आपको कभी किसी को नहीं बताना हमेशा, और अगर आपको लगे कि किसी ने आपका देख लिया या फिर सुन लिया है तो आप हमेशा पिन तो हमेशा चेंज करके रखें हमेशा, और ओटीपी जो है हमेशा अगर कुछ गड़बड़ हो तो सीधा कंपनी में कॉल करना चाहिए जिस कंपनी का आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, और बैंक में हो तो बैंक में कॉल करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी सावधानियां अक्सर हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा डाटा लीक हो जाता है, हमसे ऐसे
कॉल करते हैं ये लोग, बिल्कुल जैसे कि आपको लगेगा कि बैंक का एम्प्लॉई है या फिर अपना कोई हितेशी है जो कि अपने बारे में बता रहा है, अपना ये हित चाहता है लेकिन अपना कोई हित नहीं होता है। इसी के लिहाज से जो है एक मूवी भी बनी थी, अभी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई थी जामतारा, जी हाँ बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने देखी नहीं है तो देखना। उसमें यही चीज करते हैं वो लोग जो है, गांव के लड़के होते हैं छोटे छोटे से टीनेज वाले, वो लोग जो है काफी कॉल करते हैं लोगों को और फ्रॉड करते हैं, वहां पर काफी पैसा इकट्ठा करते हैं। इसी स्कैम के बारे में जो है मूवी बनी है, काफी अच्छी थी। मुझे आज समझ में आया उस बात का कि उस टाइम पे जो था वो मूवी थी, मैंने देखी और भूल गया, लेकिन जब कॉल आया मेरे पास में तो मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ भी हो सकता है, यानी किसी के साथ में भी हो सकता है। ये लोग करते क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये लोग कैट अमेजोन पे या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी या फिर कोई गोल्ड वाली साइट है, वहां पर क्या बड़ा आइटम खरीदते हैं, कैमरा खरीद लिया या फिर कोई ज्वेलरी खरीद ली या फिर कोई महंगी चीजें 30-40-50 हज़ार की खरीद के आपकी कार्ड डिटेल डाल देते हैं बिल्कुल, और बस वहां पे ओटीपी की जरूरत होती है, एक वो ओटीपी आता है आपके पास में, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक बंदे को कॉल पे लगाते हैं, एक बंदा कंप्यूटर पे बिल्कुल ऐसे टक 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 बिल्कुल काम करता रहता है, शॉपिंग कर लेता है वहां से, जैसे ही शॉपिंग करता है उसके बाद में क्या करता है कि सीधा आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डाल देगा, बस हो गया उसका ट्रांजैक्शन, सीधा आपके पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से। उस बंदे का कुछ नहीं किया, उसने एक शॉपिंग कर ली, उस आइटम को क्या करते हैं ये आधी रेट में बेच देते हैं। यही चीज जामतारा मूवी में दिखाई गई है, आप बिल्कुल देखना। ये मैं पोस्टर बता देता हूँ जामतारा का, काफी अच्छी मूवी है, वेब सीरीज है काफी अच्छी, इसके अंदर जो है काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, आप खुद भी अवेयर होंगे दूसरों को भी अवेयर करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि ये लोग जो है आपको कभी भी कॉल करें, ओटीपी पिन एटीएम के नंबर बता दो, 16 नंबर बता दो, इसकी डेट बता दो, कब तक एक्सपायर हो रहा, कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बैंक वाले कभी भी कॉल नहीं करते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। क्रेडिट कार्ड एटीएम आता है सीधा आपके घर पे आता है, बीच में कोई नहीं बताएगा, कभी भी बैंक जो है आपको लिमिट नहीं बताएगा क्रेडिट कार्ड की, वो आपके पास में आएगा, जैसे मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए, इस तरह से लिमिट लिखी हुई आती है आपको मैं बता देता हूं, यहां पर एक बार लिमिट का तो मैं बता ही देता हूं, ये देखिए इस तरह से लिमिट लिखी हुई आती है, ये 75,000 लिमिट है, इतना केस है, ये सारी चीज इस तरह से ये जो है पेपर के अंदर लिखी होती है और लिफाफे के अंदर आती है, और ये जो एड्रेस देते हो आप डॉक्यूमेंट के अंदर उसी एड्रेस पे पहुंचता है। तो कभी भी इस बारे में जो है आप ध्यान रखिएगा, हमेशा लाइफ में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। प्लीज आप अपने साथ वालों को, अपने से छोटे के, अपने से बड़ों का जो भी है, उन सबको आप बता सकते हैं इस बारे में, बिल्कुल शेयर करिए ये बातें, अगर शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी इसका धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। उन लोगों के लिए गेम है, एक छोटी सी क्या बोले फिरकी है ये समझ लीजिए आप, वो लोग फिरकी लेते हैं अपने साथ में और उनको मजे आते हैं। बिल्कुल अभी के लिए इतना ही, प्लीज अवेयर रहिएगा, अपने को भी अवेयर किया। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई इस फ्रॉड से बच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।